जो है आपका टॉपिक है टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। हेलो, सुनाई जी दे रहा सर, है? टू जी सर, डायमेंशनल ज्योमेट्री आप जो है, आपको अपना स्पीकर बंद कर लें, आप लोग अपना स्पीकर बंद कर लें। देखिए भाई, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री आज का टॉपिक है। मैंने कल जो बताया था उसमें किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हेलो, जी सर, किसी को कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। और नो सर, आज का जो टॉपिक है वो टू डी मतलब टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। और टू डायमेंशनल में दो डायमेंशन होती हैं अर्थात दो एक्सिस होती हैं, और दो एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, समझ रहे हैं? और एक्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दो ठो जो है एक्सिस परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो एक्सिस होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, इसको हम कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन कहते हैं इसको। ये इसको एक्स डैश कह सकते हैं और इसको वाई डैश कह सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, प्रथम चतुर्थांश कहलाता है ये। दूसरा चतुर्थांश और ये तीसरा चतुर्थांश कहलाता है। और इसको चतुर्थ तो ध्यान दीजिए, ये चतुर्थांश में चार चतुर्थांश होते हैं और ये टू डी कहलाता है। ये पहला चतुर्थांश एक्स ओ वाई के नाम से, दूसरा वाई ओ एक्स डैश, तीसरा एक्स डैश ओ वाई डैश और चौथा होता है एक्स ओ वाई डैश। इस नाम से चतुर्थांशों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमेशा प्लस प्लस के साइन होते हैं, इसमें प्लस माइनस प्लस होता है, सर वीडियो नहीं आ रही है।
मिस्टर कौशल दिखाई ना दे रहा होगा। दे रहा है तो ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग जो है इस चतुर्थांश को, चतुर्थांश चार चतुर्थांशों को रिप्रेजेंट करते हैं कि दो परस्पर लंबवत रेखाएं x डैश x y y डैश, ये दो परस्पर लंबवत रेखाएं एक तल को चार भागों में विभाजित करते हैं और ये चार भाग जो होते हैं उनको हम चतुर्थांश कहते हैं और तल में बिंदु को जो रिप्रेजेंट करते हैं भोज गौमा कोटि के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? बिंदु को भोज गौमा कोटि के रूप में प्रदर्शित करते हैं। एक्स अक्ष में जो मान होता है वो भुज कहलाता है और वाई अक्ष में जो वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो ये जो भुज है एक्स अक्ष में चली गई दूरी या एक्स अक्ष में जो डिस्टेंस होती है वो भुज कहलाती है और जो वाई अक्ष में होती है उसे हम कोटि कहते हैं। जैसे हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो यहाँ पे ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये एक्स चलेगा और ये y चलेगा तो ये मिलकर के x कॉमा y होगा। ठीक है, जैसे बिंदु x कॉमा y में x भुज तथा y कोटि होती है। समझ रहे हैं? प्रथम चतुर्थांश में अब बिंदुओं का जो निर्धारण होता है वो चतुर्थांश के आधार पर होता है। अब हम कहेंगे भाई माइनस दो कौमा तीन किस चतुर्थांश में है, तीन कौमा दो किस चतुर्थांश में है, चार कौमा पांच किस चतुर्थांश में है, माइनस तीन कौमा दो किस चतुर्थांश में है, दो कौमा माइनस चार किस चतुर्थांश में है, माइनस दो कॉमा माइनस दो किस चतुर्थांश में है। तो ये जो पॉइंट है इसमें हमेशा ये पहला मान एक्स अक्ष में चली गई दूरी होती है और दूसरा मान वाई अक्ष में चली गई दूरी होती है। लेकिन जब इसमें नेगेटिव होता है तो ये एक्स डैश इधर नेगेटिव होता है, वाई डैश नीचे नेगेटिव होता है, वाई ऊपर पॉजिटिव होता है, एक्स आपका एक्स अक्ष में जाएंगे तो ये पॉजिटिव होता है। तो देखिए हमने इसमें डिसाइड किया है पहला माइनस दूसरा प्लस द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट है दो तीन कॉमा दो दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो ये भी फर्स्ट हो जाएगा, ये माइनस का है दूसरा प्लस का है तो ये भी सेकंड हो जाएगा। पहला माइनस पहला प्लस दूसरा माइनस प्लस माइनस चतुर्थ आता है ये चतुर्थ में हो जाएगा और दोनों माइनस है तो ये थर्ड हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो क्वाड्रेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है ये कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो आपको ये चिन्हों को देखते हुए आपको ध्यान देना है। इसको नोट कर लें, समझ में आ रहा है? जी सर।
नोट हो गया बेटा? तो हम बिंदुओं को लेकर के पहचान सकते हैं कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में है, और बिंदु को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, भुज कौमा कोटि के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, हो गया बेटा ये। इसके बाद हम आते हैं जी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी माना, दो बिंदु माना, दो बिंदु पी एक्स वन कॉमा वाई वन तथा क्यू एक्स टू कॉमा वाई टू है, जिनके बीच की दूरी डी है। हम दूरी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिए, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये ओरिजिन हो गया। हमने ले लिया कि ये आपका पॉइंट यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्या है क्यू है, और इसके बीच की दूरी आपको निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, इसकी दूरी है x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट है x2 comma y2। समझ रहे हैं, दिखाई दे रहा है नहीं? तो ये x1 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये y1 हो जाएगी। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से ओरिजिन से लगा के यहाँ तक x2 हो जाएगी और ऊपर से यहाँ तक आपकी y2 हो जाएगी। डिस्टेंस मुझे तो यहाँ से मैं ये P से इस पर लंब डालूंगा P है। तो ये P M क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, y1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x2 हो गई, ये x1, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी बची, x2 माइनस x1, और ये पैरेलल होगी तो x2 माइनस x1, ये पूरी y2 है, और यहाँ से यहाँ तक की y1 हो जाएगी, तो ये बचेगी y2 माइनस y1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज लूंगा। मिस्टर कौशल, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? दे रहा है सर। समकोण त्रिभुज कौन सी होगी, पी एम क्यू। समकोण त्रिभुज पी एम क्यू में, अब समकोण त्रिभुज पी एम क्यू में जानते हैं, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगता है, और पाइथागोरस कहता है कि कर्ण का वर्ग मतलब पी क्यू का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो आधार आपका पीएम का वर्ग हो जाएगा और लंब आपका क्यूएम का वर्ग हो जाएगा। और पी से एम तक की, पी से क्यू तक की दूरी जो आपको निकालना है डी, ये बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है डी आपने मान लिया है। तो मैं इसको तो डी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लेकिन पीएम, पी से एम तक ध्यान दीजिए जरा सा, ये हॉरिजॉन्टल है पीएम, मैंने देखा है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और qm देखिए q से m तक है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये d स्क्वायर हो गया। तो d बराबर d डिस्टेंस निकालना है, वर्गमूल आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये प्लस का होगा, इसलिए कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, दूरी कभी नेगेटिव नहीं लेते,
इसलिए हम बी स्क्वायर में डी की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। विस्थापन होता तो नेगेटिव हो सकता था, यहाँ दूरी की चर्चा हो रही है तो दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो डी बराबर ये हो जाएगा। और इसको हम चाहे तो इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेंगे, वर्ग है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर और वाई वन माइनस वाई टू का होल ऑफ स्क्वायर, ये दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र हो गया आपका। और इस सूत्र से दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे और निकाल करके फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया बेटा? जी सर। अब इसको हम फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले से कैसे हम जो है सवालों को सॉल्व करते हैं, देखिए आपको बड़े सरल सवाल, इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं और वो कह सकता है कि बीच की दूरी बताइए। पहला क्वेश्चन हमने ले लिया कि 8, -2 और 2, -6 या कुछ भी ले लीजिए के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये दो बिंदु दिए हैं, पहले को आप x1, y1 मान लीजिए, दूसरे को x2, y2 ले लेते हैं और यहाँ बीच की दूरी d बराबर सूत्र मैंने आपको बताया था, अंडर रूट चाहे x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला बताया गया है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये सिंपल है, आपको जो है क्या करना है, x1 की वैल्यू बोलिए कितनी है 8, माइनस x2 की 2 का वर्ग, प्लस y1 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू -6 का वर्ग, क्या जाएगा अंडर रूट 8 में से 2 गए 6, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 6 में 2 गए 4, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 6 और 6 12 के 2 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, कितने मात्रक या यूनिट कह सकते हैं ये जो डिस्टेंस आएगी किसी न किसी यूनिट में। अब यूनिट यदि नहीं दिया गया तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या आपको कभी इस तरीके के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, कॉस अल्फा कॉमा माइनस साइन अल्फा, एक पॉइंट दिया है, दूसरा पॉइंट दिया है माइनस कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा, ध्यान दीजिएगा ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। इसकी दूरी निकाल के दिखाइए हमें मिस्टर कौशल, दूरी निकाल के दिखाइए। जी सर। ये दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कॉस अल्फा कॉमा माइनस साइन अल्फा, दिख रहा है? संजय
जी सर। जल्दी से नोट करें और अगला सवाल लगा के दिखाएं जल्दी से। सर दो मात्रा का हो गया, कितना आया जी? दो मात्रा तो सेकंड का दो मात्रा का आया है जी। ओ माइनस चलिए भाई सबका आ गया, बहुत सिंपल है। डी एक्स वन माइनस एक्स टू कॉस अल्फा माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई वन माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस वाई टू का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी क्या, कॉस कॉस हो जाएंगे टू कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस माइनस का टू साइन अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर, दो का वर्ग हो जाएगा चार कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस चार साइन स्क्वायर अल्फा। अब चार कॉमन हो जाएगा तो दो निकल आएगा बाहर और यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये वन होता है तो टू इंटू वन इज इक्वल टू दो यूनिट, दो मात्रा का जाएगा। सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अगला एक तो क्वेश्चन है, कह रहा है यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी पांच मात्रक है, बिंदु पांच कौमा तीन है और एक्स कौमा माइनस वन है, इनके बीच की दूरी के बीच की दूरी पांच मात्रक है, पांच मात्रक है तो एक्स का मान बताइए। तो आपको एक्स का मान बताना है तो आप उसको सॉल्व करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। डी का मान दिया गया है, ये एक्स वन वाई वन हो जाएगा, ये एक्स टू वाई टू हो जाएगा। अब डी बराबर फॉर्मूला लगाएंगे तो अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर। अब डी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वन का मान कितना है पांच माइनस एक्स टू का मान एक्स का स्क्वायर, वाई वन का मान तीन माइनस माइनस प्लस वाई टू का मान वन का स्क्वायर। डी की वैल्यू कितनी दी गई है फाइव, यहाँ फाइव रख देंगे।
अंडर रूट यहाँ पे आएगा 5 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, 3 में एक जोड़ेंगे 4, 4 का वर्ग 16, इधर बेटा रूट लगा है एक्स है तो दोनों तरफ स्क्वायर है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, अब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना 25, 5 माइनस एक्स का वर्ग प्लस 16, वर्गमूल हट जाएगा इसका वर्ग तोड़ना पड़ेगा, 25 बराबर 5 का वर्ग 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 होगी, 5 दूनी 10 है प्लस कितना 16, 25 से इधर 25 कट जाएगा, ये क्या जाएगा भाई इधर कटेगा 0, मतलब क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 16 बराबर 0, ये तो द्विघात समीकरण बन गया एक्स में। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए क्या करेंगे भाई, 8 2 8 2 16, 8 8 2 10 होता है, फैक्टर कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 16 बराबर 0, एक्स कॉमन ले लीजिए तो एक्स माइनस 8, 2 कॉमन तो एक्स माइनस 8 बराबर 0, तो ये आपका एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 8 मिलेगा, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 मिलेगा बराबर 0 हो जाएगा, तो x का मान 2.8 या तो 2 हो जाएगा या 8 हो जाएगा, ये दोनों मान उसके मिलेंगे, ठीक है। कौशल लग गया जी, सवाल नोट कर लिया है सर, लगाएंगे बाद में। अच्छा अगला सवाल दूरी से रिलेटेड सवाल बता रहे हैं हम, जिसमें दूरी का फॉर्मूला यूज होता है, अगला सवाल देखेंगे, ये सभी सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं, जिनको सॉल्व करना पड़ेगा। अब वो कहता है क्या तीन बिंदु जो दिए गए त्रिभुज बनाते हैं, और यदि बनाते हैं तो किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। क्वेश्चन है ये तीन बिंदु है 3.2 माइनस 2.3 माइनस 3 और 2.3, ये थ्री पॉइंट्स हैं। कहता है ये त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि ये त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है। मान लो कि ये 3.2 है, ये माइनस 2, माइनस 3 है, ये 2.3 है,
त्रिभुज कब बनता है मालूम है आप लोगों को? क्यों भाई, त्रिभुज कब बनता है, त्रिभुज बनना कब पॉसिबल होता है? जब किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होना चाहिए। जब किन्हीं दो भुजाओं का योग किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है तब त्रिभुज बनना संभव होता है। अदरवाइज त्रिभुज नहीं बनती है। जब भी दो भुजाओं का योग तीसरे से सदैव बड़ा होना चाहिए। मान लो ए बी प्लस ए सी तो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, या ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी होना चाहिए, या ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए। ये निश्चित रूप से इन तीनों में से कोई एक कंडीशन होगी तभी आपकी त्रिभुज बनेगी, अदरवाइज त्रिभुज बनना संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अब बात आती है दूरी निकालना, तो पहले हम निकालेंगे ए से बी के बीच की दूरी। ए और बी में आ जाइए, अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए और बी, ए से बी के बीच की दूरी एक्स वन तीन हो जाएगा, एक्स टू इसमें क्या हो जाएगा माइनस दो, तो तीन माइनस माइनस प्लस दो का वर्ग प्लस वाई वन कितना है दो, वाई वन माइनस वाई टू तो प्लस तीन का वर्ग, तो क्या बन जाएगा, तीन दो पांच, पांच का वर्ग पच्चीस, तीन दो पांच, पांच का वर्ग पच्चीस, पच्चीस कितना हुआ पचास, तो पांच अंडर रूट दो मात्रक आ जाएगा। इसके बाद एसी निकाल लो बेटा, एसी निकालेंगे तो ए माने एक्स वन, एक्स वन तीन में से दो जाएगा, थ्री माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू, दो माइनस तीन का स्क्वायर क्या बन जाएगा भाई, तीन में दो गए एक, एक का वर्ग एक, यहाँ भी एक का वर्ग एक, अंडर रूट कितना जाएगा दो मात्रा, और ए बी ए सी हो गया। अब बचा बी सी, तो बी सी बराबर कितना होगा, अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर, तो माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का होल ऑफ स्क्वायर। अब दो का वर्ग जानते हैं, दो और दो चार, चार का वर्ग सोलह, तीन तीन छह, छह छह का वर्ग छत्तीस, क्योंकि माइनस माइनस जोड़ेंगे वर्ग होगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए भाई सोलह और छत्तीस कितने, छह छह बारह के दो हासिल है, तीन और चार एक पांच, बावन ही आएगा, बावन किसी से कटता है, फैक्टर होंगे बावन के, छब्बीस दूनी बावन होता है, तेरह दूनी छब्बीस दूनी बावन, तो दो अंडर रूट तीन आता है यहाँ पे, तेरह दूनी छब्बीस दूनी बावन मतलब दो अंडर रूट तेरह मात्र। अब आपको ये बताना है कि किन्हीं दो का योगफल तीसरे से बड़ा है कि नहीं है, तो दो का देखो इनको इनको जोड़िए, रूट टू फाइव रूट टू प्लस रूट टू कितना हो जाएगा सिक्स रूट टू, और यहाँ टू अंडर रूट तेरह है, बड़ा होगा सिक्स रूट टू निश्चित है, इसको इसको जोड़ेंगे तो रूट तेरह प्लस टू रूट टू फाइव रूट टू से बड़ा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो भुजाओं का योग किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, समझ रहे हैं ना, नहीं समझ पा रहे जी सर? त्रिभुज बनना तो संभव है, लेकिन कौन सी त्रिभुज बनना संभव है? अब आपको देखिए तीनों अलग अलग हैं, तो हम अभी नहीं कह सकते कि समबाहु या समद्विबाहु, तो समकोण त्रिभुज बन तो नहीं बन रहा है। बड़ी भुजा कौन सी है, सबसे सबसे बड़ी भुजा है ए बी, सबसे बड़ी भुजा ए बी है, तो अंडर रूट पचास है, अंडर रूट बावन तो यहाँ मिल रहा है, कितना बड़ी हुई बी सी जी सर, है ना जी,
देखो BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस AB का वर्ग करिए। BC का वर्ग करेंगे तो √52 का वर्ग बराबर हो जाएगा। AC माने कितना है, √2 का वर्ग प्लस √50 का वर्ग। देखो 50 52 का वर्ग 52 आ जाएगा, 2 आ जाएगा तो 50 आ जाएगा। 52 बराबर 52 आ गया, नहीं आ गया जी तो ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो है पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब त्रिभुज ABC कैसी हुई, त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। कैसी है, समकोण जी त्रिभुज होगा क्योंकि इसने जो दिया है पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई किया है। जब ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती है तो इसे कहेंगे एक समकोण त्रिभुज को निरूपित करेगी। ठीक है ना, सर, इस तरीके से आपको किसी भी और दूसरे टाइप की त्रिभुजों के बारे में पूछ सकता है। त्रिभुज समद्विबाहु हो सकती है, त्रिभुज समबाहु हो सकती है, समद्विबाहु समकोण हो सकती है। ठीक है ना, इसलिए आप लोग जो है जैसे हमने बताया है इसी तरीके से क्लियर करना है आपको। ठीक नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बताते हैं। सर हेलो सर, हाँ सर हम वीडियो बाद में देख लेंगे, थोड़ा काम है तो हम जा रहे हैं। जा रहे हो क्या तुम भी? चलो जी सर, वीडियो बाद में देख लेंगे सर, ठीक काम है, है तो। वीडियो जी बाद में। हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ नेक्स्ट बेटा, ये अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। इंटरनल बाइसेक्शन, इंटरनल डिवीजन, अंतः विभाजन क्या होता है, कोई एक लाइन है ए और बी, ये एंड पॉइंट है इसके। ए पॉइंट है आपका X1, Y1 और बी पॉइंट है आपका X2, Y2 और ये एक कोई बिंदु यहाँ पर पी मान लीजिए जो ए बी को एम अनुपात से एन के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। कैसा करता है, अंतर विभाजित करता है। कोई बिंदु पी रेखाखंड ए बी को एम अनुपात से एन के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो जब ये अंतः विभाजित करता है तो इसका सीधे फॉर्मूला हम बताएंगे आपको। जो इसका फॉर्मूला होता है वो कह रहा अंतः विभाजित करता है तो बिंदु P के निर्देशांक बताना होते हैं। हम लेते हैं कि जो बिंदु P के निर्देशांक हैं वो X, Y हैं। क्या हैं, X, Y। तो हम जो है बिंदु P के निर्देशांक को यहाँ पर डिनोट करेंगे। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, विभाजित करता है तब
बिंदु पी एक्स कॉमा वाई के निर्देशांक ज्ञात करें। तो निर्देशांक ज्ञात करना होता है तो हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं एम एक्स बराबर और वाई बराबर एम एक्स टू या एम वन एम टू आप ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एम एक्स टू हो जाएगा प्लस एम एक्स वन हो जाएगा अपॉन एम प्लस एन हो जाएगा और वाई की जो वैल्यू आती है वो एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन होती है। ये दो फॉर्मूले होते हैं किसके अंतर भाजन के। और यहाँ पर एक केस आ जाता है यदि बिंदु पी ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है तो क्या हो जाता है भाई, तब m बराबर क्या हो जाएगा n के हो जाएगा। तो हम यहाँ पे x बराबर निकालेंगे, m की जगह n लिख दो, एन एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एन प्लस एन मतलब टू एन। तो क्या बनेगा, एन कॉमन निकाल लो, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू एन, एन एन कट गए तो एक्स की वैल्यू आएगी एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू मध्य बिंदु होगा। और वाई बराबर जब निकालेंगे हम तो y की वैल्यू भी आपका एन वाई टू प्लस एन वाई वन और एन प्लस एन हमने m और n को इक्वल कर दिया। यहाँ पे n कॉमन y1 वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू टाइम फाइनल कैंसिल आउट तो y की वैल्यू आ जाएगी y1 वन प्लस y2 तो यहाँ पर हमारे पास दो मान आ गए और ये दोनों वैल्यू हैं वो मध्य बिंदु को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र हो जाएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक एक्स वन प्लस एक्स टू वाई टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू होगा। मध्य मतलब मिड पॉइंट के किसी भी मिड पॉइंट, कोई भी मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट हमेशा क्या मिल जाएगा x2 plus x2 by 2 और y1 plus y2 by 2 मिल जाएगा। और इसको हम इंटरनल डिवीजन से, यदि इंटरनल डिवीजन है और वो दोनों रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु हो जाएगा। और इसके कोऑर्डिनेट इस तरह से फाइंड करेंगे, इसको आप नोट करिए।
नेक्स्ट बेटा क्या होगा आगे, अंतर विभाजन के बाद आता है बाह्य विभाजन। बाह्यता विभाजन वाहिता विभाजन कैसे, जब कोई बिंदु रेखाखंड को एबी को बाहर कहीं सी बिंदु पर विभाजित करता है, ए के कोऑर्डिनेट एक्स वन कॉमा वाई वन, बी के कोऑर्डिनेट एक्स टू कॉमा वाई टू और ये पी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई और ये एम रेशियो एन पर डिवाइड करता है। और इंटरनली नहीं, इसे कहते हैं एक्सटर्नली डिवीजन, मतलब ये बाह्यता विभाजन ए बी रेखा खंड के बाहर कहीं विभाजित करता है तो हम उसे बाह्यता विभाजन कहते हैं। तो बिंदु पी रेखा खंड ए बी के अनुपात एम के अनुपात में अंतर की जगह क्या कर देंगे, बाह्यता विभाजित करता है तो बिंदु पी के निर्देशांक यहाँ पर आपको केवल माइनस लगा देना है, ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो ये क्या करेगा, बाह्यता विभाजित करेगा। तो इन फॉर्मूले से आप जो है बाह्यता विभाजन के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब हम जो है कोई क्वेश्चन लेते हैं। उसने कहा उस वृत्त का केंद्र ज्ञात करें, उस वृत्त का केंद्र ज्ञात करें, उस वृत्त का केंद्र ज्ञात करें जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक, जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक माइनस तीन कॉमा माइनस दो और तीन कॉमा दो हैं। तो एक वृत्त का केंद्र, वृत्त आपको बनाना होगा, ये आपका सपोज दैट कोई एक सर्किल बन गया जिसका केंद्र क्या है ओ, और व्यास क्या हो जाएगा ये ए बी, समझिएगा। तो उसने कहा वृत्त का केंद्र बताएं, ओ को बताना है जिसमें व्यास के सिरों के निर्देशांक पता है, व्यास के सिरे माइनस तीन कॉमा माइनस दो है और यहाँ पे तीन कॉमा दो है। अब इसके कोऑर्डिनेट मतलब ये ओ पॉइंट आप जानते हैं कहाँ पे होगा, ओ निश्चित रूप से मध्य बिंदु होता है क्योंकि वो केंद्र है, OA त्रिज्या है और OB त्रिज्या है और त्रिज्याएं हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इसलिए O जो है व्यास AB का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो वृत्त का केंद्र O व्यास AB का मध्य बिंदु है और यदि बेटा ये मध्य बिंदु है तो ओ के निर्देशांक, ओ बिंदु ओ के निर्देशांक एक्स कॉमा वाई है तो बेटा एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू बटे दो हो जाएगा
और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बटा 2 हो जाएगा। अब इसको हम x1 y1 मान लें और इसको x2 y2 मान लें तो हमें O के निर्देशांक मिल जाएंगे। x बराबर x1 का मान माइनस 3 और प्लस 3 बटे 2 और यहां पर y बराबर माइनस 2 प्लस 2 बटे 2। माइनस 3 से प्लस 3 खत्म, 0 0 बटा 2 कितना आएगा 0 और y बराबर 0 बटा 2 कितना आएगा 0। तो निर्देशांक आ जाएंगे आपको 0, 0, इसे कहते हैं मूल बिंदु। तो जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, मूल बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। बिंदुओं 1, -2 1, -2 और -3, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड, बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाला रेखाखंड को जोड़ने वाला रेखाखंड जोड़ने वाला रेखाखंड सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु में संख्या सम त्रिभाजित जोड़ने वाले रेखाखंड के रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले रेखाखंड को रेखा जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। देखिए भाई, हमने एक रेखाखंड ड्रॉ किया, ये ए और बी है। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट है 1, -2 है, 1, -2 और बी के कोऑर्डिनेट है -3, 4। अब इस रेखाखंड को सम त्रिभाजित, किसी भी रेखाखंड को तीन भागों में विभाजित करने के लिए कम से कम दो पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट पी हो गया और ये पॉइंट क्यू हो गया। अब रेखाखंड आपका क्या है, ये और ये और ये तीनों रेखाखंड कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अब तीनों रेखाखंड यदि इक्वल हो गए तो समझिएगा इस ये पी अकेला पूरे रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा, पी पी करेगा। एक भाग यहाँ है, दो भाग यहाँ है, तो एक अनुपात 2।
और क्यू कितने कहाँ पे अनुपात में विभाजित करेगा, इधर वाले देखो दो भाग हैं, एक भाग इधर है, तो क्यू जो है 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। आपको ये ध्यान देना है कि दो तीन भागों में विभाजित करता है, समान तीन भागों में, तो बिंदु पी क्यू ये दो बिंदु लेंगे तो ये पूरा रेखाखंड तीन भागों में विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं तीन भाग हैं, पी के बाईं ओर हमारा एक भाग है, पी के दाहिनी ओर दो भाग हैं, 1:2 हो गया, और ये क्यू के बाईं ओर दो भाग हैं और दाईं ओर आपका एक भाग है, तो क्यू जो है 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। अब हम पी के क्वाड्रेंट और क्यू के क्वाड्रेंट फाइंड करेंगे। पी बिंदु पी के क्वाड्रेंट आपको निकालना होगा, यहां लिखेंगे हम रेखाखंड एबी को बिंदु पी 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। अंतर विभाजित होता है, ये अंदर है तो अंतर विभाजन फॉर्मूला x बराबर क्या होता है, mx2 + nx1 / m + n। अब देखिए भाई ये कोऑर्डिनेट हमारे x1 y1 है और ये x2 y2 है, इसके लिए m और n ये हो जाएगा, m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 1 × 2 x2 की वैल्यू वहां से आएगी -3 प्लस n की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू यहाँ से आएगी 1 डिवाइड बाई 1 + 2 -3 × 1 -3 + 2/3 तो -3 में सिर्फ 2 जाएगा तो 1/3 कितना हो जाएगा 3 -1/3 तो x की जो वैल्यू आ गई वो -1/3 आई। और इसी तरीके से मैं y की वैल्यू यहाँ निकालूंगा तो my2 + ny1 / m + n y = my2 n की वैल्यू देखिए इसी में कितनी है m की 1 × y2 की वैल्यू वहां से लाइए 4 प्लस n की वैल्यू कितनी है 2 × y1 की वैल्यू -2 डिवाइड बाई 1 + 2 तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 और 2 जा 4 -4/3 = 0। तो जो बिंदु P आया P के कोऑर्डिनेट आपके मिले -1/3, 0। ये पॉइंट P बिंदु AB को तीन भागों में विभाजित करता है। अब इसी तरह सिमिलरली बिंदु Q के लिए निकालेंगे, यहाँ पर देखेंगे जो बिंदु Q है, बिंदु Q रेखाखंड AB को रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो 2:1 m रेशियो n हो जाएगा। अब यहां बिंदु Q के निर्देशांक हम लेते हैं, बिंदु Q के निर्देशांक x, y है यदि, तो आपको x = क्या मिलेगा mx2 + nx1 / m + n। तो x की वैल्यू आएगी, m की वैल्यू इसमें 2 होगी, 2 बड़े x2 का मान -3 प्लस n का मान 1 × x1 की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई 2 + 1 2 × 3 = 6 -6 + 1/3 तो -5/3 आ जाएगा। और y की वैल्यू आएगी आपकी my2 + ny1 / m + n। तो y = m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 2 है, 2 × y2। अच्छा y2 कितना है, 4 है, बिल्कुल। और प्लस n का मान हो जाएगा 1, y1 कितना है -2 है डिवाइड बाई 2 + 1 y की वैल्यू 2 × 4 = 8 -2/3 8 में 2 कितनी बचेगी
सिक्स डिवाइड बाई थ्री टू दिक्स टू, तो पॉइंट क्यू आपका जो आएगा वो आएगा आपका माइनस फाइव बाई थ्री कॉमन टू। तो ये पॉइंट पी आ गया और पॉइंट क्यू आ गया, ये दोनों पॉइंट उस रेखाखंड को कितने समत्रिभाजित, तीन बराबर भागों में विभाजित करेंगे, ये तीन बराबर भाग हो जाएंगे। ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको आपको नोट करना है। हो गया भाई यहाँ तक? तो ये बेटा जो है रेखाखंड से संबंधित था। अब आपको एक क्वेश्चन करना है जिसमें पूछेगा वह है अनुपात ज्ञात करें, वह है अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदुओं ए 1, -5 और बी, ये पॉइंट है आपका -4, -5 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड बिंदुओं जिसमें बिंदु मिलाने वाले रेखाखंड
एक्स अक्ष को किस बिंदु पर प्रभावित करते हैं? रेखा खंड एक्स अक्ष को एक्स एक्स अक्ष को किस बिंदु पर विभाजित करते हैं? ध्यान दीजिए, अनुपात आपको ज्ञात करना है। कोई आपको ये दिया गया है, रेखा खंड ए का कोऑर्डिनेट 1, -5, बी का कोऑर्डिनेट है -4, -5। ये जो पॉइंट है वो एक्स अक्ष पर है। कहाँ पर है? एक्स अक्ष पर। यदि कोई पॉइंट एक्स अक्ष पर होता है या एक्स अक्ष को किस बिंदु पर विभाजित करता है, यदि वो कोई पॉइंट एक्स अक्ष पर होता है तो एक्स तो होता है लेकिन वाई जीरो होता है। इसको मैं एक्स कॉमा जीरो कह सकता हूँ इस पॉइंट को, मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो वह अनुपात हम मान लेते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन, इसको हम बना देते हैं, इसको सॉल्यूशन देखेंगे इसका। मान लेते हैं कि माना हम इसमें मानते हैं क्या, हम मानेंगे कि माना अनुपात कौन सा है, माना रेखा खंड को माना बिंदु एक्स कॉमा जीरो रेखा खंड को के अनुपात में ले लीजिए, इसमें सिंपल पड़ेगा, के अनुपात वन के अनुपात में विभाजित करता है इसका सेकेंड क्वाड्रेंट वाई क्वाड्रेंट जीरो है, तो मैं इसका वाई क्वाड्रेंट ही निकाल लेता हूँ। तो वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी होती है, एम एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन होती है, ठीक है ना। एम की जगह सॉरी एम की जगह के अनुपात में लिख देंगे अभी हम, वाई इज इक्वल टू एम की जगह आ जाएगा थ्री, वाई टू की जगह वहां से वैल्यू उठाइए, ये आपका एक्स वन वाई वन है और ये एक्स टू वाई टू है, वाई टू की वैल्यू है आपकी फाइव, तो के इन टू फाइव प्लस एन का मान वन है, वाई वन का मान -5 है अपॉन एम प्लस एन मतलब के प्लस वन है, तो ये आपका आ जाएगा वाई इज इक्वल टू फाइव के -5 अपॉन के प्लस वन। अब चूंकि कोऑर्डिनेट आपको जानते हैं, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि एक्स अक्ष पर काट रहा है, तो चूंकि यहाँ पे वाई का मान जीरो है इसलिए हम 5k -5 upon k+1 इज इक्वल टू जीरो, तो 5k -5 इज इक्वल टू जीरो, 5k इज इक्वल टू 5, तो k इज इक्वल टू 5/5 क्या जाएगा, 1। तो k का मान जब 1 आता है तो आप समझ रहे हैं कि रेशियो कितना है, रेशियो अनुपात, अनुपात आपको निकालना था, अनुपात के अनुपात वन था, एक ही जगह वन, तो वन अनुपात वन आंसर आ जाएगा, अर्थात मिड पॉइंट होगा, समझ रहे हैं ना। और जब भी के की वैल्यू निगेटिव आती है, के की वैल्यू कैसी आती है, निगेटिव, समझ लीजिएगा, के की वैल्यू यदि निगेटिव आती है तो उसे हम कहते हैं बाह्यता विभाजन। निगेटिव हटा सकते हैं लेकिन उसको हम लिख देते हैं बाह्यता विभाजन। इसमें प्लस आता है तो ये अंतः विभाजन कहलाएगा, माइनस आएगा तो बाह्यता विभाजन कहलाएगा। इस बात को ध्यान देंगे, कभी कभी आपको माइनस की वैल्यू के की मिल सकती है जब अनुपात पूछेगा टू, यदि अनुपात पूछता है तो आपके रेशियो वन लेंगे, इससे थोड़ा सिंपल पड़ेगा। और हमने केवल वाई का मान इसलिए निकाला है क्योंकि जो रेशियो है वो पॉइंट है, वो पॉइंट एक्स अक्ष पर स्थित है, और जो एक्स अक्ष पर स्थित है तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, इसलिए मैंने वाई कोऑर्डिनेट निकाल करके उसको जीरो कर दिया, जिससे मुझे सिंपल के की वैल्यू मिल गई। और जैसे के की वैल्यू मिल गई तो मैंने उसका अनुपात फाइंड आउट कर लिया, अनुपात के रेशियो वन, के की वैल्यू वन है तो 1:1। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पे के की यदि वैल्यू कभी भी निगेटिव आपको मिलती है तो हम सीधे सीधे कह देंगे कि विच इज द एक्सटर्नल डिवीजन, मतलब बाह्यता विभाजन है, बाह्यता विभाजन में ही के का मान आपको क्या मिलता है, निगेटिव मिलता है। इस बात को आपको ध्यान देना है, ये आप नोट करिएगा।
तो आज के लिए इतना ही। इससे इससे रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन कर सकें उनको करके लाना है। नेक्स्ट हम कल इनके क्वेश्चंस भी बताएंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी वो क्वेश्चन आप बताइएगा तो उनको कंसल्ट किया जाएगा। और इसके आगे क्योंकि दो ही आपके लेक्चर है टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के, तो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो बचा होगा, अभी कुछ पॉइंट हैं जिसमें तीन बिंदुओं का संरेख होता है, संरेख भी दो तीन तरीके से बताया जाता है, ठीक है ना, उनको हम सिंपल मेथड से बताएंगे जिससे आप ऑब्जेक्टिव में बहुत जल्दी क्लियर कर लें, ज्यादा टाइम ना लगे। और इससे और आगे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना, क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना, उसे कैसे फाइंड आउट करना है, उसकी चर्चा हम कल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है जिसमें आपको रेशियो फाइंड करना है, अनुपात फाइंड करना है, उनको कैसे करना है, ये सभी टाइप के क्वेश्चन आप करके लाएंगे। और जो भी समस्याएं हों, जो भी प्रॉब्लम्स हों, उनको कल हमसे डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो सके, और इस पर ध्यान देंगे। और आज का आप लोगों का यहीं तक होगा। ओके, थैंक यू। Gracias.